जय आयुर्वेद। नमस्कार सभी अजीज बंधुजनों को। आयुर्वेद चिकित्सा अभ्यास जो है वो एक बहुत तप भरा कार्य है, तो चलिए साझा कर रहा हूँ आपके साथ ये प्रेरणा स्वरूप या आयुर्वेद के प्रसार प्रचार उत्थान सुदृढ़ीकरण हेतु। जो है मैंने आपको पिछले कल भी अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया था कि बहुत सारे जो औषधीय पौधे हैं वो हमने पनीरी दी थी तो और वो तैयार हो चुकी थी, तो आपको अवलोकन करवाना चाहता हूँ। ये हमारा पवित्र आवास स्थल और अभी जो है वो भव्य सूर्य अस्त का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये अत्रे आयुर्वेद पीठ व्यास विहार तलवाड़ा जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के इस प्रांगण में, और ये जो आप देख पा रहे हैं वैद्य नैन्सी, अभी हमने जो है वो इसमें इसी खेत में हमने बहुत सारे औषधीय पौधे जो हैं जो ट्रांसप्लांट के लायक हो गए थे हमने उनको रोपित किया है और अब इन्हें जो है वो सिंचित किया जा रहा है ताकि इनकी जड़ जो है वो इसमें लग जाए। हालांकि हमने जो है वो एज इट इज़ ही इसको रोपण किया है, तो चलिए आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ लता करंज के कुछ बहुत सारे पौधे हैं उधर भी हैं, और ये पाली जिसमें वैद्य नैन्सी पानी जो है वो सिंचन कर रही है, ये सारा जो है वो कंटकारी है। और इधर जो है ये इस पूरी लाइन में दो तीन लाइनों में जो है वो अपना बृहती, हाँ बृहती है, और ये आप देख सकते हैं। और इधर जो है ये आप देखिए हमारा त्रिवृत, इसका मूल जो है वो प्रयोग में होता है, तो ये त्रिवृत की पूरी लाइन है, ये आप देख सकते हैं त्रिवृत भी हमने इसमें जो है वो रोपित कर दिया है। और ये सारे बहुत बड़े बड़े प्लांट जो हैं वो हो चुके हैं, ये देखिए इतने बड़े बड़े जो हैं वो ये प्लांट त्रिवृत के ये हो चुके हैं। और इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये जो हैं अतिबला है, अतिबला के पौधे हैं, तो अतिबला के पौधों के साथ जो है ये हमारा चित्रक है, 5-10 जो पौधे हैं वो चित्रक के हैं, और इसी के साथ हमारा शतावर शतावरी भी जो है वो यहाँ पे है, मकोए और ये माशपर्णी, और हालांकि माशपर्णी और प्रश्निपर्णी और शालपर्णी को जो है वो हम कल रोपित करने वाले हैं। और ये आपका जो है वो सारा अश्वगंधा के औषधीय पौधे जो हैं वो हमने इसमें रोपित किए हैं। तो अब जो है वो जैसे ही ये फसल 6 महीने में तैयार होगी तो ये सारी जितनी भी फसल्स हैं इनके मूल जो हैं वो चिकित्सार्थ प्रयोग होता है, तो हम इन मूल का एकत्रीकरण करके विशुद्ध औषधि जड़ी बूटियां जो है वो बनाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर वर्ष जो है वो च्यवनप्राश बनाते हैं जिसमें हम जो है वो विशुद्ध तौर पर स्वयं एकत्रित की गई औषधि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो प्रयोग में करते हैं। तो हालांकि पिछली बार हमने खेत खलिहानों से ये एकत्रित की थी, लेकिन एक मोटिवेशन आई कि क्यों ना इन औषधीय पौधों का जो है वो कृषिकरण किया जाए, और बहुत ही मुश्किल से इनका बीज मैंने उपलब्ध जो है वो करवाया किसी अपने बहुत सारे अजीज बंधुजनों से, आदरणीय गुरुजनों से, बहुत दूर दूर से। और हालांकि मुझे 2-4 बीज ही जो हैं वो इन औषधीय पौधों के मिले थे, लेकिन मैंने बहुत ही ये बेहतरीन पनीरी तैयार की है। तो अभी इसी कड़ी में हमारे पास जो है वो उधर छत पे जो हैं वो बहुत सारे अभी औषधीय पौधे जो हैं वो पनीरी जो डेवलप हो रही है वो तैयार हो रहे हैं, जिसमें मुग्धपर्णी है, माशपर्णी है, प्रश्निपर्णी है, शालपर्णी है, अकरकरा है, तो वो कुछ आने वाले दिनों में अभी वो पनीरी जो है वो हमने लेट दी थी तो उसको हम रोपित करेंगे। तो ये हमारा जो है वो एक चैलेंजिंग एक टास्क है, हमने एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज लिया है स्वयं मेहनत करके। आप देख सकते हैं वैद्य नैन्सी भी जो है वो साथ में यहाँ पे खेत में कार्य कर रहे हैं,
तो आयुर्वेद चिकित्सा अभ्यास जो है वो इतना आसान नहीं है। दवाइयाँ आपको जो है वो मिल जाती हैं, लेकिन ये आपको आभास नहीं होता कि कहाँ किसान जो हैं वो कैसे और किस कदर में इनको उगाते हैं। इन्हें बच्चों की तरह पालना पड़ता है, और शुद्धता का क्या प्रामाणिकता रहती है इन औषधीय द्रव्यों में। तो ये सारे तथ्यों को लेकर जो है वो हमने एक नया कृषिकरण का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट किया है, और आने वाले भविष्य में बहुत जल्द जो है बड़े स्तर पर अपने जो जितने स्थानीय रोगी हैं उनके लिए मैं विशुद्ध औषधीय जड़ी बूटियाँ यहाँ से जो है वो तैयार करके उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु उपलब्ध करवाएंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय व्यास विहार, जय यात्री आयुर्वेद पीठ।